होते हुए देखकर चुपचाप बैठने वाला ऑफिसर मैं नहीं। इनके द्वारा बनाए गए घटिया काम की वजह से एक ब्रिज टूट गया और एक मजदूर की जान गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? मरने वाला तेरा रिश्तेदार है या तेरा भाई? उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल जला के प्रार्थना कर लेना। राजा ऑफिसर, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। मृतक के परिवार को मुआवजा दे दूंगा। ये बताइए आपको कितना चाहिए? मुझे खरीदने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है सर। अगर ऐसी नौबत आ ही गई तो सड़क पर भीख मांग लूंगा, लेकिन किसी से घूस नहीं लूंगा। ए पागल, उसको क्यों मारा? सीधी तरह से बिल पास कर दो। तेरे इन फालतू धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तेरे और तेरे भाई के किए हुए घोटालों को सरकार के सामने लाऊंगा। जेल में सड़ सड़ कर मरोगे तुम लोग। लोहा चाहे कितना भी गर्म हो, लेकिन मारने वाला हथौड़ा ठंडा होना चाहिए। समझ गया ना? रुद्रा से मैं बात करूंगा, तुम शांत हो। सुनो बेटा, थोड़ा सांबार लेकर आ। जी सर। एक बात बोलूं, उस रुद्रा से तुम्हें दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वो बहुत ही बड़ा खतरनाक इंसान है। जी जय जी, मैं दुनिया में सिर्फ अपने जमीर से ही डरता हूँ। उस रुद्रा जैसे फालतू गुंडों से मैं नहीं डरता। खाना खाइए। भाई, 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 माफ कर दो भाई, मैं पहचान नहीं पाया। ऑक के साथ खेलना और रुद्रा के साथ खेलना खतरनाक होता है सर। ऑक से खेलने वाला जल जाता है और जो रुद्रा के साथ खेलता है वो गौरी शंकर जी के आशीर्वाद से उनके परम भक्त कॉन्ट्रैक्टर रुद्र भैरव जी को इतिहास के प्रसिद्ध नरसिम्हा स्वामी मंदिर के धर्मादर्शी बनाकर उन्हें ये ओहदा सौंपा है। ये क्या हो रहा भाई? रिश्ते में तो आप एमपी के साले हो। आपको छोड़ के आपके जीजा जी कल क्या हुए नए नए लोगों को सर पे बिठा के नचा रहे हैं। नचाने दे, नचाने दे। एक बार मौका मेरे हाथ लग गया ना तो उसे मजा चखा दूंगा। आप बैठे बैठे यहाँ सपने देखिए और वो रुद्रा वहाँ अपने सपने सच कर रहा है। अभी उसका टाइम अच्छा चल रहा है। हे भगवान, आपके मंदिर की रक्षा के लिए मैं धर्माधिकारी बना हूं, लेकिन मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। दुनिया के साथ जो होता है होने दो, लेकिन मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा। भिखारियों के हाथों से भीख छीनने वाला बदमाश है तू। भगवान तेरा क्या भला करेगा? रमेश, तुम मुझे श्राप दे रहे हो? कैसे दे सकता हूँ भाई? एक बात बताओ, कहते हैं मेरे जैसे पापियों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेकर आता है, ये सच है क्या? वैसे अगर वो आएगा तो फिर कैसे आएगा? वो भक्त प्रहलाद फिल्म की तरह खंबा तोड़कर आएगा क्या, या फिर उस तरफ से धूल उड़ाते हुए आएगा? हाँ, कहाँ से आएगा? हे, कोई भगवान नहीं आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो मुझसे टकराएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो।
छोड़ हाथ छोड़। अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो कोई और आकर बचाने की कोशिश करता है, और तू मेरे ही सामने किसी को मारने जा रहा है, कौन है तू? ए, देख भाई मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, क्यों इसे मार रहा था तू? ये उसी से पूछो। आधा दर्जन केला देना भैया। जानकी दीदी। अरे कमला कैसी हो तुम, कितने दिन बाद मिली हूँ तुमसे। मेरे पति की नौकरी बैंगलोर में लगी है ना, इसलिए वहीं पर हूँ। त्योहार है ना, इसलिए मायके आई हूँ बहुत दिनों बाद। अच्छा किया। ये लीजिए। अरे ये क्या भैया, कोई शराफत है या नहीं, सड़े केले दे रहे हो? सुनो तुम अपना काम करो, दूसरे के मामले में दखल मत दो। ए तो ईमानदारी से काम करो ना, तुम्हारे ऐसा करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, पसंद है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। चुपचाप अपने फल वापस लेकर पैसे दे दो हमारे, किसी और दुकान से ले लेंगे हम फल। छोड़ो दीदी, इन लोगों की मुंह नहीं लगते। ऐसे लोगों से डरकर अगर चुप रहोगी तो आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल दूसरों के साथ होगा। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। ए बुढ़िया, आप उनका भेजा मत खिसका, मुझसे उम्र में बड़ी इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या कर लेते, नहीं तो क्या कर लेते? आप उनका भेजा खराब हुआ ना तो तेरे को टपका डालूंगा। अपनी माँ की उम्र की औरत पर हाथ मत कर। अरे तो चुप कर ना, मंदिर में ऐसे सड़े हुए फल बेचते शर्म नहीं आती? अपना काम करो, जाके बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना मैं बात करूँगा। लगता है तुम लोगों का बहुत खराब टाइम आने वाला है, अपना सिंगा आएगा तो एक एक को काट के रख देगा। ए, कौन है सिंगा? अपनी माँ के लिए जान भी कुर्बान कर देने वाला बेटा है, मेरे जैसे गीदड़ों का शिकार करने वाला शेर है वो। ए, उसने धूल भी उड़ा दिया तो डस्ट एलर्जी से मर जाएगा। शिकार के लिए जिंदगी प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। बैल को आगे से मत छेड़ना, घोड़े को पीछे से मत छेड़ना, इस सिंगा को किसी भी एंगल से मत छेड़ना, समझे? कैसा लगा? ए हाथ हटा, लगे रहो भाई। मेरी माँ को कोई तकलीफ दे मैं सहन नहीं कर सकता, और तूने मेरी माँ को धक्का दिया। एक बार जब मैं हथियार उठा लेता हूँ तो किसी को छोड़ता नहीं। हम पूरे गांव वालों को धमकी देते हैं और ये हमें ही धमकी देकर चला गया, आखिर ये है कौन? बॉडी डेटा चाहिए या बायोडेटा चाहिए? चल बायोडाटा ही बता दे। नाम है सिंगा, प्यार करने वालों के लिए भक्त प्रहलाद, नफरत करने वालों के लिए हिरण कश्यप। उसकी आंखें शेर की आंखें हैं और उसका हाथ हथौड़ा। एक बार लग जाए तो आदमी आसमान में नजर आता है, खुद से किसी को नहीं छेड़ता वो, गलती से छेड़ दिया तो छोड़ता भी नहीं, क्योंकि गुस्सा उसकी कमजोरी और मूछ है उसकी ताकत है। उस रुद्रा ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति का कत्ल कर दिया सर, अब आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मैं पीसी महेश बात कर रहा हूँ। हाँ बोल। वो इंजीनियर की पत्नी आपके खिलाफ कंप्लेंट देने आई है और साथ में उसका भाई आया हुआ है। आपने ही मर्डर किया है ये साबित करने के लिए ये दोनों चश्मदीद
गवाह काफी हैं। इंस्पेक्टर के एफआईआर बनाने से पहले एमपी से बात करके जल्दी कुछ करो। अगर एक बार केस कोर्ट तक पहुंच गया ना तो आपका जेल जाना तो पक्का। और 6 महीने में बाई इलेक्शन है, ऐसे वक्त में जरूरी था क्या? रुद्रा गौरी शंकर जी का राइट हैंड है, ये सभी लोग जानते हैं। इंजीनियर का मर्डर आपके इशारे पे हुआ है, ऐसा सभी लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मुंह कैसे बंद करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर भाई के खिलाफ कोई भी चाहेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा। अपने गुस्से को काबू में रखिए। आप एमएलए बनना चाहते हैं, कल आप जीत के असेंबली में जाएंगे, वहाँ पे लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे, आप सबको मार डालोगे क्या? आपके रिश्तेदार भाई बहन जितने भी हैं सब आपके पीछे बुराई करेंगे आपकी, इन सब पे ध्यान मत दो। भाई आप ही समझाओ ना इस रुद्रा को। रुद्रा भाई, राजनीति और गुंडागर्दी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तुम्हें हाथी की चाल चलना होगा, ये राजनीति है। इसके आगे तुम्हें कुछ भी करना हो तो मुझे बता कर करना। ठीक है भाई, इस बार इंस्पेक्टर से बात करके इंतजाम करवा देता हूँ। ठीक है। शादी हो जाएगी तो अगले साल अपनी बहू को लेकर आपके दर्शन के लिए। माँ जी, मेले में जुआ खेलकर मैं पैसे कमाना चाहता था, कहाँ पूजा पाठ में ले आई। एक बकवास बंद कर, ये मुहूर्त साल भर के बाद ही आता है। अगर आज के दिन यहाँ आकर सच्चे दिल से मन्नत मांगे तो जिसकी भी शादी नहीं हो रही है साल भर के अंदर उसकी शादी हो जाती। अच्छा? है। हाँ? बता दी थी तो पिछले साल ही आ जाता। माँ जी चुप कर, तुम भगवान को हाथ जोड़ो। थप्पड़ क्यों मारा? ए, क्या रे, लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करता है, कॉल करके गंदी गंदी बातें करता है, तू क्या खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है? ए, छोड़ना चलते हैं। ए, तू चुपचाप खड़ी रह, अगर दोबारा तूने ऐसी गंदी हरकत की ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके तेरी वोट लगा दूंगी, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, बड़ा हीरो बनता है। ए चल रे। क्या भला है? तो कुछ भी बोल सिंगा, उस लड़की को देखकर लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। एकदम सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आगे चलो। अरे सिंगा, मैंने भगवान से मुकुट चढ़ाने की मन्नत की थी, जाकर ले लें क्या? वो तो यही चलो, ले लो माँ। यही है क्या? हाँ, चलो मिल जाएगा। आहा, चंपा, चमेली, चांदनी, गुलाब, गुलबहार, यार पूरी दुकान फूलों का बागीचा लग रहा है यार। हाँ तो तू क्या कर रहा है? भौरा बनकर मटराने लगूं, तितलियां मार डालेंगी। चल। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जरा मुकुट दिखाइए। देखिए वो दिखाइए। ए गीता, यहाँ आओ ना। ये वाला रखिए। ये लीजिए। वो वाला दिखाइए। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। ये वाला अच्छा दिख रहा है, माँ को दिखा देता। माँ जरा ये देखो तो। अरे नहीं, वो पंजाने में। तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे छेड़ा? ए, मेरे बेटे को मारेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी फ्रेंड को मारा? सिंघा, जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसी लड़कियां रहेंगी तो मीटू का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना सिंघा? कहाँ गया? चल यार चलते हैं। हाँ चल। दोपहर के 2 बज चुके हैं, समय पर नहीं खाओगे ना तो पेट में गैस होगी। आज का स्पेशल क्या है? दाल चावल लाई हूँ। अच्छा, और तेरा? देसी मुर्गी का सालन। पेट भर के खाऊंगा आज तो मैं। वो लड़की ना तरबूज की तरह एकदम लाल लाल खूबसूरत थी। सच में? किसकी बात कर रही हो माँ? कहने की दुकान में जिसे देखा था ना, वो लड़की। वो कोई लड़की है, बारूद का गोला बनके सब पे फट रही थी। ए बकवास बंद कर। ए गंगा, ये वही लड़की है, वही लड़की है, देख देख बहुत सुंदर है। अरे दीदी, तुमने सही कहा था, बहुत सुंदर है, बहुत
आपको चीयर गर्ल समझ रहे हो क्या? हाथ नीचे करो। क्या हुआ? कोई कुछ भी कहे दीदी, दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है। चुप रहो माँ। सब लोग आम पे पत्थर मारते हैं और तुम चांद पे मारने चली हो माताजी। वो लड़की कौन है जानती हो? अपने गांव में जो नया इंजीनियर आया है उसी की बेटी है वो। है क्या? किसी की बेटी हो हमें क्या, पर सिंगा जैसा दामाद तो उसके बाप को कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ। सही कहा तूने। देखा ना उसको, हमारे सिंगा को कैसे घूर घूर के देखते हुए जा रही थी। वो मुझे प्यार से नहीं देख रही थी, गुस्से से देख रही थी। उसके दिल में तुम हो इसीलिए ऐसे देख रही थी। चाहे तो देख लेना, वापस जाते वक्त भी तुम्हें उसी तरह देखेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? अरे दिल ही दिल में इसी को याद कर रही है, इसलिए ऐसे हिचकी आ रही है। पीले पीले पीले। माँ जी वैसे घूरती है ना, लगता है अभी यहीं काट के खा जाएगी। क्या आप दोनों मिलकर के इसे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं? इतनी प्यार करने वाली हो तो आके बात करनी चाहिए ना, मुंह फेर कर क्यों चली गई? मैं शुरू शुरू में ऐसा ही होता है बेवकूफ, आज देखते हुए जा रही है, कल आकर बात भी कर लेगी, देख लेना। अगर आपकी बात सही है तो कल सुबह वो हमारे घर आएगी और सिंगा से बात करेगी। क्यों सिंगा? सपना देख रही है। नहीं आएगी क्या? कल आएगी, देख लेना। माँ जी किस बात की बेचैनी है? मेरी बहू अब तक आई नहीं, उसी का इंतजार कर रही हूँ। वो क्यों हमारे घर के पास आएगी? तुम्हारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, सठिया गई हो। मेरी एक बात सुन ले, जैसे तेरा दोस्त बेवकूफ है ये बात सच है, वो लड़की इस घर में आएगी ये भी सच है, देख लेना। अरे हमारे घर की लक्ष्मी आ गई है बाहर। देख बेटा अब तो यकीन करेगा ना। ए, तेरी इतनी हिम्मत, अपने आप को समझता क्या है? बहुत बड़ा गुंडा है क्या? ए, फालतू में झगड़ा क्यों करने आई हो? क्या हुआ तुझे? मेरी गाड़ी का हेडलाइट क्यों तोड़ा तूने? कौन सी हेडलाइट? मेरा नाम और तो और ताकत है तो मेरे घर के पास आओ, ऐसा लिखकर मेरी गाड़ी पे टांग दिया। तू क्या यहाँ का दादा है? देखो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, लॉकअप में डरवा दूंगी। ए, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये ले लाइट लगवा ले। अरे रुक तो, प्यार करने वाली लड़की घर तक आई है, तू कहाँ जा रहा है? कौन और किससे प्यार करता है? तुम मेरे बेटे से। और ये बात आपको किसने बताई? यही जो सामने खड़ा है। अरे कहाँ चला गया? यही, अरे मैं नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं। किसी का बोर्ड पर लिखा है? तो मेरी गाड़ी का हेडलाइट तोड़ने वाले तुम। हाँ मैं हूँ, क्या करोगी? पैसे दे दिया ना, जाके हेडलाइट लगवा लो। पैसे देने से हिसाब बराबर हो गया? और क्या चाहिए? तुम कुछ मत देना। अरे कितनी फटाफट बात करती है, वो बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। बहुत जोर से लगा के गई है माँ जी। अरे बकवास बंद कर, तू कहाँ चला गया? अरे ये क्यों मुंह छुपा रहा है? सारा किया धरा इन्हीं का है। ए चुप कर, इतनी दुबली पतली होने के बाद भी इतनी स्ट्रांग होगी मुझे पता नहीं था। मुझे पता चला ना, तो क्या उसकी बकवास सुनता रहूं मैं? क्यों कह रहा है बेटा, वो कुछ भी कहे कुछ भी करे इस घर की बहू जरूर बनेगी। ऐसे सपने देखना छोड़ दो माँ, ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होने वाला, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। ए, चल, तो चलते आश्रम में जाकर सन्यासी बनेगा क्या? मैं कुछ भी बन सकता हूँ, चलिए चलो हम लोग आश्रम चलते हैं। मेरी बात तो सुन, दोनों दोस्त बिल्कुल एक जैसे। ए, वो देखा गई। ए, गीता मैंने बताया था ना फालतू गैंग, ये लोग वही है। इसलिए उसने काम ही छोड़ दिया। चल चल जल्दी चल, उधर मत देख यार। क्यों? अगर उनकी तरफ देखोगी तो ये लोग चिपक जाएंगे। ऐसे चिल्लर आशिकों को हैंडल करना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो। फैसला कर लिया यार, आज से वो मेरी लवर है। हे, तेरे को तो देखकर रोटी दाल ही शूट करेगा, अगर बिरयानी खाया तो लूज मोशन हो जाएगा। देखो यार, तुम सभी चाहे कुछ भी कहो, अपने गैंग में गीता के लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ। क्यों, सही है ना? आज मेरे व्हाट्सएप की डीपी भी वही है और ईमेल की पासवर्ड भी वही है। ए बेवकूफ, एक लाफा दूंगा ना रख के, 3 फीट का हो जाएगा। वो लड़की मेरी है समझे, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ जानते हो? उसका नाम मैंने मेरे हाथों पे चुभा चुभा के गुदवाया है, दिखाओ तुम लोगों को, ये देख। कितने गंदे हो यार तुम लोग। अरे कुत्ते कमीने पागल है, स्केच पेन से हाथ पे लिखकर हम सबको बेवकूफ बनाता है। सभी ध्यान से सुन लो, गीता तुम्हारे लिए आइटम होगी लेकिन मेरे लिए तो मेरी जान है। एक मिनट, ये देखो।
ये मेरी लाइफ है, ये मेरी वाइफ है, आधार कार्ड से सिर्फ लिंक करना ही बाकी है। हाँ, सुपर है यार। इस फोटो में तुम दोनों के बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, कौन है वो? यार वो मेरी फोटो है बचपन की, और ये हमारा होने वाला बच्चा मेरे जैसा लग रहा है ना। ये लो, पकड़। बस 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 बस, उठा लो, चलूंगा। मामा जी बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, संभाल के लेके जाना। मामा जी क्या समाचार है? सब ठीक है बेटा। आप बिना वजह के तो कभी आते नहीं है, बात क्या है बताइए। अमोल जाकर कॉफी लेकर आओ। लाता हूँ। बोलिए मामा। सिंगा, तेरी शादी को लेकर तेरी माँ बहुत चिंता कर रही है बेटा। तुम दीदी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। कोई भी माँ अपनी बहू को घर में लाना चाहती है तो इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? मामा जी, पूरे गांव वाले मेरे बाप की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे उनकी शक्ल तक याद नहीं है। लोगों के लिए जान गंवाकर जब मैं नादान था उसी वक्त वो मुझे छोड़ के चले। उस दिन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मेरे बाप जैसा ना बनूं इसलिए मेरी माँ बहुत कोशिश कर रही है मामा जी, लेकिन क्या करूं मैं, ऐसा दाग लगा है कि मिटाने से नहीं मिटेगा। मुझ पर 20 केस हैं, एक या दो नहीं समझे, कौन कब आकर मुझे मार देगा मैं खुद नहीं जानता। ऐसे लड़के को शादी करनी चाहिए क्या? देखो सिंगा, जीवन में कल क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता बेटा। अगर रास्ते में कांटे हैं तो चलना बंद कर दोगे क्या? उस कांटे को किनारे करके अपना सफर जारी रखना होगा बेटा। मामा जी मुझे शादी वादी नहीं करनी है, जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा मैं, मेरी वजह से कोई लड़की आंसू बहाए ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता सिंगा। सिंगा, सिंगा बेटा। क्या हुआ? पापा, मम्मी। हारी चुकाने की औकात नहीं, बेटी की शादी करने चला है। आपका पैसा दे दूंगा भैया, आपकी उधारी चुका दूंगा, मेरे घर में शुभ कार्य चल रहा है भैया, आपका पैसा कुछ भी करके चुका दूंगा भैया, दया करके मेरी उधारी जो होती है वो बेटी की जैसी होती है, बेटी को जैसे पाल पोस के शादी करते हो उसी तरह ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना पड़ता है। पैसे दे दो वरना इसे लेकर के वसूल करूंगा। भैया भैया, मैंने अपनी सारी जायदाद बेच कर आपको पैसा दिया, और कितना पैसा दूं आपको? आपकी उधारी चुकाते चुकाते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बस कल इसकी शादी कर दूंगा, फिर मैं आपके पैसे चुका दूंगा। जब चुकाना तो अपनी बेटी को लेके जाना। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। ले अपने पैसे। कमाल है जान, तूने तो अच्छे अच्छे ग्राहकों को पकड़ा है। ये तो ब्याज हुआ, असल कहाँ है? असल अपना सिंगा हिसाब किताब में वीक हो सकता है, लेकिन जब वो किसी की पिटाई करता है ना तो हिसाब नहीं लगाता। ये सिंगा कौन है? औरतों पर जबरदस्ती करना ही मर्दान की समझने वाले तेरे जैसे नामर्द को तेरी औकात याद दिलाने मैं आ गया हूँ। We'll be right back.
सब लोग वहाँ मारा मारी कर रहे हैं, तू यहाँ क्यों छुपा हुआ है? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या? सुनामी के साथ सेल्फी, सिंगा के साथ कुल्फी मत खाना बोला था, नहीं सुना तूने ना? करनी होगी, अन्न उगाने वाले किसानों की इज्जत करनी होगी। यहाँ भूल कर भी औरत की इज्जत पर हाथ डाला तो कुचल कर जान ले लूंगा तेरी, समझ गए ना? राक्षस लग रहा है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रामास्वामी की हत्या के मामले को सीआईडी ब्यूरो को सौंपने के लिए रामास्वामी की पत्नी रत्ना स्वामी ने सरकार से मांग की है। कानून पर पूरा भरोसा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे इंसाफ। नमस्कार भैया। मेरे पापा ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए रुद्रा ने मेरे पापा को मार डाला। कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना नहीं सर, रुद्रा को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। मारने वाला शायद बहुत जल्द मिल सकता है, लेकिन मृतक का परिवार इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। देखो कैसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अब इसकी आवाज नहीं होगी भाई, बंद कर दिया। उसका नाम रुद्रा है, एमपी गौरी शंकर जी का खास आदमी। अपने पावर के दम पर इस केस को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं ही हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें, सजा दिला कर ही रहूंगा मैं। इसको इसका क्या करोगे? हुबली से वापस आते हैं, इसे भी खत्म करो। खत्म करना ही होगा, हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले सबको। चलता हूं भाई। मार्केट में जिस आदमी को मारा ना, वो सही नहीं लग रहा है भाई। hey, अपने धंधे में सेंटीमीटर जितना भी सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमें ही मार डालता। ए जंगली, कट करने पर भी बार बार फोन क्यों करता है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? राजा कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, छोटा सा लफड़ा हुआ है। छोटा सा लफड़ा? ए किसने मारा इसे? भैया अब ये मेरा उसका मैटर है, आप उसके बीच में मत आओ। टाइम मिलते ही उसे खत्म कर दूंगा। खत्म कर दो, जल्द से जल्द खत्म कर दो। सुनो, जो फॉर्म में रहता है उसी की इज्जत क्रिकेट में होती है, अच्छे इमेज वालों की सिनेमा में इज्जत होती है, और हम जैसों की इज्जत लोगों में डर पैदा करने से होती है। समझ गया ना? दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो फोन करना। ठीक है भैया। ध्यान रखना। ठीक है भाई। जानकी देवी, जानकी देवी, जानकी देवी, आप ही का नाम है ना? हाँ जी सर। मार्केट में जिस आदमी का मर्डर हुआ था आपने देखा था क्या? जी हाँ सर, बेचारा मेरी आंखों के सामने उस लड़की का गला काट दिया सर। उसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत सर, आप कहेंगे तो मैं उसके खिलाफ गवाही भी दे दूंगी। आप दूसरों के लफड़ों में क्यों पड़ती हो? ऐसा सोचो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। अरे नहीं सर, पता नहीं किसका बेटा था बेचारा। सच बोलोगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, वो बहुत ही खतरनाक है। इस बात को आप किसी और से बिल्कुल भी मत कहना, समझ गई ना? पागल औरत गवाही देने जाएगी। भैया एक चाय देना। हाँ
अरे सुनो भाई, यहाँ जानकी रहती है, उनका घर कहाँ है? कौन जानकी भाई? वही भैया जिनका सिंगा नाम का एक बेटा है ना। बात क्या है? अरे वही भाई, वो यहीं पास में ही रहती हैं। उनका सिंगा नाम का एक बेटा है, मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता जो तय करना है। रिश्ता तय करना है मतलब शादी करानी है। अरे भैया, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए आपको। ऐसे में आप लड़के के बारे में बिना कुछ जाने लड़की देने की बात कैसे कर सकते हैं? ये वही सिंगा है ना जो बहुत बड़ा टपोरी और निकम्मा है, पीकर गटर में गिर जाता, उसको खुद को पता नहीं होता। कई बार तो मैं खुद जाकर उसको घर छोड़कर आया हूँ। हाँ क्या? हाँ, इतना ही नहीं भैया, उस सिंगा पर बहुत सारे पुलिस केस चालू है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, टीवी का एक ही सेटअप बॉक्स होता है, लेकिन इसके पूरे गांव में सेटअप बॉक्स है। सोच लो, बाकी आपकी मर्जी। जी जी जी, ऐसे लड़के को अपनी बेटी कैसे देंगे जी? आगे पीछे पता करके रिश्ता ढूंढना चाहिए था ना। चलिए, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। मैं तो बच गया। ए, अब आ तो गए। मैं कह रही हूँ ना, तुम चलो यहाँ से। चलो। हाँ, चलो। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आप तो कुछ मत बोलिए, उस लड़के ने मुझे सब सच्चाई बता दी, वरना हम तो फंस जाते। आपने कहा था मेरा लड़का अच्छा भला है, कोई बुरी आदत नहीं उसमें। कितना झूठ कहा था हमसे, आप पर भरोसा करके हम अपनी बेटी की शादी करा देते तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। नहीं, चलो जी, मेरी चलो, चलो, तो हमें बात नहीं करनी। कलेजे को ठंडक मिल गई। कितनी मुश्किल से उन लोगों के पैर पकड़कर एक रिश्ता लेकर आई थी तेरे लिए, दो मिनट में उन लोगों को भी भगा दिया। तुझसे ही बोल रही हूँ मैं। मैंने तुझे कितनी बार बोला है माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने दे। सुबह बिना कुछ खाए ही घर से आ गया था। तूने कुछ खाया क्या? तुझे क्या करना है? तेरे लिए मैं चकली और लड्डू लेकर आई हूँ, खा ले। मुझे नहीं खाना। खा लेना बेटा। तूने खाया क्या? मैं बाद में खा लूंगी। ये लो, खा। तू ये खा ले, मैं बाजार जाके कुछ सामान ले आती हूँ। ठीक है। क्या कर रहा है? ये लो, बस तक छोड़ आता हूँ, चलो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जाओ माँ, संभल के। तू पूरा खा लेना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलो चलो, राइट राइट राइट। ये बात किसे पूछूं? क्यों सीना भैया, टेंशन में लग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है सिंगा। फिर उदास क्यों, क्या हुआ? वो मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना है, दवाई दिलवानी है। किस हॉस्पिटल में लेके जाऊं, यही सोच विचार कर रहा था। हाँ तो तुम्हारे सेठ ने पगार नहीं दिया? उसने पगार दिया था सिंगा, लेकिन मैंने पी के सब खत्म कर दिया। क्या सीना भैया, तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर की फीस दवाई मिला के 400 रुपए चाहिए सिंगा। 400 रुपए? अरे सुनो सिंगा, तुमने बोला पैसे दोगे और मंदिर में लेके आ गए। यहाँ मेरे एक बॉस रहते हैं, मैं कितना भी पैसा मांगू मना नहीं करते, बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो फिर थोड़े ज्यादा ही पैसे मांग लेना। अब वापस कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। फुकट में मिल रहा है, ज्यादा लालची मत बनो, चलो मेरे साथ। कहाँ है मेरी आइटम? मिल गए। सिंगा, इसका क्या करने वाले हो? यही है, मैं पैसा दिलवाएगा, आओ दिखाता हूँ। भगवान, तुम मेरा साथ दोगे, मुझे विश्वास है। तुम इस भक्त पर स्ट्रॉन्गली ध्यान दे। ये तो चोरी कर रहा है, पकड़े गए तो जूते पड़ेंगे। अरे रे पापी, भगवान के पैसे चुराए। सीमा भैया, पहली बोनी 100 रुपए की है। कहाँ गए? सीना भैया, सीना भैया, पैसे नहीं चाहिए? रुको रुको रुको, भगवान इस बार थोड़े बड़े आशीर्वाद दे दीजिए। सीना भैया, बहुत किस्मत वाले हो तुम। 500 और 100, 600 रुपए, ये लो भाई। भगवान का पैसा नहीं चाहिए।
भगवान के बगल में लक्ष्मी जी बैठी तो उन्हें पैसे की क्या जरूरत है। ये लो और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करो। अरे नहीं नहीं, भगवान का पैसा लूंगा तो हाथ में लकवा मार जाएगा। तुम्हें लकवा क्यों मरेगा, मुझे मरेगा, पैसा मैंने चुराया है। तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। मुसीबत में काम ना आए तो वो कोई पैसा है, सिर्फ कागज है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो दान पेटी में डालकर मैं माफी मांगूंगा, माफ कर देंगे मुझे। अगर मुझे तकलीफ देनी होगी, कष्ट देने होंगे तो मुझे दे देंगे ना। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी औरत को तकलीफ में नहीं देख सकता। ले लो सिन्हा भैया, चलो। मामा, मुझे आपके ये सुंदर चेहरे पे उदासी मेरी आंखों से देखी नहीं जा रही है। अब इधर उधर की बात छोड़िए, मुद्दे पे आइए। हाँ। कुछ भी नहीं भांजे, ये लड़कियां मैं देखकर हंसे तो क्या समझना चाहिए? पागल समझना चाहिए, चुप कर यार। ए भरत, तू बता ना यार। मामा, लड़कियों की हंसी में दो तरह की वैरायटीज होती है। सुनो सुनो, चुप बैठ यार, तू बोल। बोलूं? आंखों से स्कैन करके, अपने दिल को जूम करके, दोनों को मिक्स करके अगर अंदर ही अंदर हंसे तो समझ लेना तुमसे प्यार करती है मामा। अब दूसरी हंसी तुम्हारा चेहरा देखकर ही ही करके हंसेगी तो अंदर ही अंदर आपको जोकर समझ रही होगी मामा। अब इन दोनों में से हमारी मामी कौन सी है? तूने पहले बताया था ना, आंखों से स्कैन करके, दिल को जूम करके, ऐसे हाँ। ही देखकर हंसा था उसने। इसका मतलब तो 100% लव ही है। ऐसी बात है? और नहीं, इस थोड़े पर भी लड़की पटेगी क्या? क्या मामा, कैसी बात करते हो? आप जैसे अंकल से लड़के कैसे पट सकती है? हाँ। मामा पता नहीं मुंह से कैसे निकल गया। जाने दे, जो है वही तो बोला। मुझे भी डाउट है भांजे, मेरे जैसे नालायक से भला कोई लड़की कैसे प्यार कर सकती है? मामा, प्यार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, दिल चाहिए, दिल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चुप। लव इज ब्लाइंड मामा, ब्लाइंड। ऐसी बातें भांजे, लव को चाहिए फीलिंग मामा। एक बार बोल के दिखाइए, लव लव। अरे ऐसे बोलो मामा, लव लव। सर, पेंडिंग पेमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर बाहर खड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? रुद्रमूर्ति नाम है सर। चेक रेडी है, बुला लीजिए उन्हें। ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। रुद्रमूर्ति आप ही हैं क्या? जी हाँ सर। ये लीजिए। थैंक यू। रंगास्वामी जी। जी सर। इनसे रजिस्टर में साइन करवा कर एक्नॉलेजमेंट देकर भेजिए। हाँ सर। बहुत धन्यवाद सर। आपका गिफ्ट सर आपके घर पहुँच जाएगा। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? हाँ, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। रंगास्वामी जी, जी सर, आपको जरूरत है तो ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है सर, मैं भी ईमानदार हूँ। आई एम वेरी सॉरी सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मुझसे कभी कोई जरूरत पड़े तो बोलिए, मुझे बहुत खुशी है। अब सर एक मिनट। हेलो भाई, वो आदमी सामने ही बैठा हुआ है, अब जल्दी आ जाओ। नहीं रे सिंगा, मैंने अमोल, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है और बाहर देखो कैसा हाउसफुल है। ए सिंगा, सियार को रंग दो तो शेर नहीं बन जाता यार। उसी तरह से ये लोग हैं, चाहे कुछ भी हो जाए शराब पीना नहीं छोड़ सकते कभी भी। ए तू क्यों चल रहा है? वाह, ये अच्छी जगह बैठ जाते हैं। ए उठ जा यहाँ से, पीना बहुत हो गया तेरा, चल ले जा इसे। चल भाग। मार क्यों रहे हो? ए चुपचाप निकले तो दूंगा एक। सिंगा मैं माल लेकर आता हूँ। ठीक है, लेके आ। अरे रुमाल रख के क्यों जा रहा है? कोई आकर बैठ गया तो अपना रुमाल उठा ले। हाँ उठा ले। अब ये तेरी सीट है। तुझे तो मारने के बाद भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ तो सब हाउसफुल हो गया। यहाँ किसने थूका? मैं तो हर गंदी जगह बैठ जाता हूँ, फिर यहाँ बैठने में क्या बुराई है? हेलो मिस्टर। हाँ? वो चेयर हमारी है। अबे बच्चे, अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं, ऑमलेट का अंडा बना सकते हैं क्या? वो भी ऐसा ही है, मैं एक बार यहाँ बैठ गया ना तो ये सीट मेरी हो गई। अगर मैं तेरे गोद में बैठूंगा तो तू मेरा हो जाएगा। अरे कहाँ गया बेटा? अबे ओ बेटा, एक चिकन फ्राई और एक पोटा फ्राई लेके आओ। मूंगफली भी लेके आना। ठीक है। ये मेरी बियर है। पानी को शराब बना सकते हैं, शराब को पानी बना सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह इस टेबल पर जिसकी भी शराब हो
वो हमारी हो जाती है, यहाँ कोई नहीं पूछेगा, सही कहा ना छोटू? करेक्ट बोल रहे सिंगा। दारू भी तुम्हारा, चकना भी तुम्हारा, पीने वाला हम लोग भी लाएगा तुम्हारा। मेरे सामने नौटंकी करता है तेरी तो। छोटू को मारने के राइट सिर्फ मेरे पास है, इसलिए कि ये मेरा प्यारा छोटू है। अरे नहीं, रोना मत मेरे यार। अगर मेरे अलावा कोई इस पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा ना तो अबे हमसे पंगा लेता, धमकी देता है हमें, नहीं छोड़ता। चल निकल 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 यहाँ से। निकल यहाँ से। उस दिन मंदिर में मैंने इसी को देखा था ना? यही है भाई। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ओहो, क्या बात है यार, हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह हाथ में गुलाब लेकर घूम रहे हैं। कुछ नहीं यार, गीता को गुलाब देकर प्रपोज करने की सोच रहा हूँ। अरे तो हमें क्यों नहीं बताया यार? मुर्गे को पूछ के कोई मसाला पीसता है क्या? ये गलत बात, हम सब फ्रेंड्स है ना, बता देता तो हम सब मिल के दे देते। देखो यार, फ्रेंड्स के साथ खाना पीना शेयर कर सकता हूँ, मोबाइल डाटा शेयर कर सकता हूँ, लड़की को शेयर नहीं कर सकता। तुम लोग कहीं और ट्राई करो, नदी के किनारे बैठकर उसकी गहराई के बारे में सोचकर क्या फायदा? पानी में कूदोगे तभी पता चलेगा कि गहराई कितनी है। करेक्ट करेक्ट, पानी में कूदकर डूब के मर जाना चाहिए। अरे यार, लड़की को हंसते देखकर ग्रीटिंग नहीं देना चाहिए। वो किस फीलिंग में हंसी? अब उस हंसी पे रिसर्च करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। सुन भरत, ये लव लेटर का रिसर्च से क्या लेना देना? ये लव जो होता है ना, दो जवान दिलों के बीच दिल में एक फीलिंग सी होने लगती है। दोनों आंखों के बीच का फिजिक्स है। मतलब बॉडी बॉडी के बीच में चलने वाली बायोलॉजी है ये। ए, हमेशा उतावला क्यों हो जाता है? बैठ बैठ जा। मतलब हम सब साइंटिस्ट हैं क्या? एग्जैक्टली, ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके पता लगाने के बाद जानवरों पे प्रयोग करते हैं। अब हमें एक बकरा चाहिए जो गीता को लव लेटर दे सके। अब देखना है कि वो लव लेटर लेगी या चप्पल से मारेगी, टेस्ट करते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अचानक से हलाल करने के लिए हमें कोई बकरा कहाँ से मिलेगा यार? अपना सिंगा है ना, लव लेटर में उसी का नाम लिखवा देंगे। इसके लिए वो मानना चाहिए ना। क्यों नहीं मानेगा, देख लेना, उसका हेड मसाज करके उसी के हाथों से लव लेटर दिलवाऊंगा। पहले वादा करो सिंगा। क्या बात है? अरे सिंपल है, वादा तो करो पहले। क्या है बोला यार? पहले वादा करो फिर बताते हैं। क्यों है ना? वादा करो। कुछ नहीं है, सिंपल मैटर, मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा, वो लेटर लड़की को देना है। एक लाफा दूंगा ना तो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। किसके सामने बात कर रहा है समझ में आ रहा है तुझे? किसी का मर्डर करना है तो बोल, अभी कर देता हूँ। ये सब मेरे लिए आसान है, लेकिन लड़कियों के पीछे लव लेटर लेके घूमना मेरे बस की बात नहीं है। तेरे भरोसे मैंने काम लिया है, नहीं हुआ तो मेरे जूते से मारेंगे मुझे। हाँ तो मार खा ले। मतलब तेरे से नहीं होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा क्या? कोई चांस नहीं, बोला ना। दे दे मेरे पैसे दे, मैंने पहले ही कहा था कि तू शर्त हार जाएगा। शर्त लगी और नहीं तो क्या? सच में किसी ने कहा था जिंगा का जिगर बहुत बड़ा है, गन से निकला बुलेट है, कहा था कि नहीं? यार लड़की का मामला है ना, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था। डरता क्यों है? लव लेटर लिखने वाला कौन है? मैं हूँ ना मैं। तू क्यों घबराता है? देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना तो तुझे कोई भी टच नहीं कर पाएगा, समझा? ये वादा है मेरा तुझसे। छोड़ दूंगा क्या? बोलो ना तुम लोग। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो? सिंघा, तुमसे टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। लारे ये लो, गीता के आने का टाइम हो गया, लव लेटर्स को दे देना। क्या उसे दू? ये सब काम मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब माँ की कसम की कोई कीमत नहीं है क्या? माँ की कसम को खाई? इस लेटर को देकर माँ का लाडला बेटा बनोगे या नालायक बेटा बनोगे, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो यार। ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। क्या यार? अरे जाना जाओ, हम लोग हैं ना। अरे
अरे भाग यार, निकल बाहर। 50 रुपए तो क्या, 5 पैसे भी नहीं दूंगी तुझे। ए, क्या समझ रही है तू? तू पीने का पैसा नहीं देगी तो मैं पीना छोड़ दूंगा क्या? एक बात याद रख, शराबियों के बहुत दोस्त होते हैं। चल जा काम कर अपना। जाता है कि दूं? ये सब क्या है यार? अरे छोड़ यार, ये तो रोज का नाटक है। ये बता तू कैसे आई है? ये देखो, सिंगा ने मुझे लव लेटर दिया है। क्या मजाक मत कर यार। मैं मजाक क्यों करूंगी यार, चाहे तो खुद ही पढ़ लो। अगर रुक जाता ना तो मैं सबक सिखा देती उसको। मुड़ के देखा तो बाइक से फरार हो गया। तू गलत समझ रही है यार, मेरे सिंगा भैया ऐसे नहीं है। उन्हें प्यार हो जाए, उनकी शादी हो जाए, इसलिए उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। उन्होंने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा। लेकिन सिंगा भैया किसी भी लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते। उन्हें शादी और प्यार से एलर्जी है यार। अच्छा यार, तुम्हारा ये सिंगा भैया श्री रामचंद्र ही क्यों ना हो तो क्या मुझे लव लेटर देगा? गीता, मेरे सिंगा भैया का दिल बहुत मासूम है यार। लगता है कोई उनकी इस कमजोरी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई साजिश है। मुझे तो उस भरत के टपोरी गैंग पे शक हो रहा है। तुम्हें अगर अभी भी डाउट है तो तुम सिंगा भैया के सामने जाके खड़ी हो जाओ। अगर वो तुम्हें नजर उठा के देखेंगे ना तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इसने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने इसको गलत समझ लिया। अरे यार, लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। ऐसी फालतू लव लेटर पढ़ने के बाद भी सिंगा को जूतियां नहीं मिली। मतलब हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। देखो यार, अपना काम हो गया है। इसमें जिसका नाम नहीं निकलेगा वो नाराज नहीं होगा। सेलेक्ट होने वाले को छोड़ के बाकी लोगों के लिए गीता भाभी के साथ होगी, समझ गया ना? गीता तो सिर्फ मेरी ही होगी। चांस ही नहीं है। गीता मेरे जीवन की संगीत है। चुप बैठ जा। भरत और गीता, हम दोनों को मिलाने के लिए भगवान ने भी प्लान किया है, समझा? यार ये तो बड़े सपने देख रहा है। क्या है वो? बादाम का हलवा, मोगरे का गजरा। किस लिए? सुहागरात के लिए। तेरी सूरत देखे कौन पटेगी? हाँ, तू वो पटाका है जो जलाते ही फूस हो जाता है। तू पटाका नहीं, खोखा है। फटने के लिए बारूद होना चाहिए। बैठ जा। हे भरत, वो सब छोड़ना यार। सुन, पहले चिट्ठी कौन उठाएगा बता। ए सुनना सुनना। अरे बेचारा, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए मैं चिट्ठी उठाऊं क्या? ए जल्दी जल्दी आओ, किसी ने कुछ कर लिया है। दीदी, दीदी। पप्पी, पप्पी। दीदी, दीदी। चलो उठाओ, उठाओ। संभाल के। पैर मत। पप्पी, पप्पी। यशोदा का पत्नी को खुश नहीं रख सकते तो शादी क्यों की? तेरे जैसे शराबी और मेरे जैसे गुंडे से शादी करके औरतों का जीवन नरक हो जाता है। अमोल, जाकर मां से पैसे लेकर आओ। आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? शराबी पति के साथ इतने सालों से दुख उठाते उठाते थक चुकी हूँ मैं, और ये है कि सुधरना ही नहीं चाहता बेटी। और
मेरी बेटी भी किसी नालायक लड़के से प्यार करती है। क्यों दीदी, गलती करने वाले को सजा ना देकर अपने आप को सजा दोगी तो इन लोगों का क्या होगा? ये लो लक्ष्मी, जाके बिल भर के आओ। सीना भैया, तुम्हारे साथ जीने से तो अच्छा है कि इन्होंने मरने का फैसला किया। तुम उसी वक्त मर गए थे जिस वक्त इन्होंने ये कदम उठाया। तुम कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन संसार चलाने के लिए एक औरत का होना जरूरी है। समाज में उन्हीं की बदौलत हम सर उठाकर जीते हैं। पत्नी घर है तो पति बुनियाद है, औरत की इज्जत करना सीख लो। समझ गए? सुधर जाओ, चलता हूं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो जो लेटर दिया था मेरा नहीं था। वो मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ और बात करने आई हूँ। क्या है वो? मैं देखिए माँ जी, कंडीशन बहुत नाजुक है, खून बहुत बह चुका है। जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए, खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर आप लेट करेंगी तो मरीज की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, गंगा तुम उसी के साथ रहना, अमोल तुम भी यही रहो बेटा। मैं आती हूँ अभी। आई भैया, आप एक मिनट मेरे साथ आइए, तुम यहीं पर वेट करो। Thank you.
उस दिन दूसरों की मदद के लिए पैसे लेकर गया था, आज हमारी मदद कौन करेगा भगवान, कौन करेगा हमारी मदद? हाँ? क्या बात है बहन? नमस्कार भाई साहब, मेरे बेटे के नाम पर बैंक में पैसा रखा है, एक महीने में पैसे मिल जाएंगे, चाहे तो बॉन्ड देख लीजिए, वो हॉस्पिटल में है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये बॉन्ड पेपर रख के मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, किसी और से पूछ के देख लो। देखिए मुझसे कुछ नहीं होगा, इस बॉन्ड पेपर पे मैं पैसा कैसे दे सकता हूँ, कहीं और देख लो। राजा भैया। दीदी सिंगा कैसा है? क्यों दीदी? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सिंगा को किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे भैया, आपको ही कुछ करना होगा। दीदी 10-20 हजार की बात होती तो कैसे भी मैनेज कर लेता, लेकिन ये लाखों रुपए कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलो भैया, किसी से उधारी तो दे पाओ, मैं बहुत आज लेकर आई। पहले तुम उठो दीदी, उठो दीदी। बिना कुछ गिरवी रखे इतना रुपया कोई भी नहीं देगा दीदी, अब क्या करूं मैं? तुम्हारे पास घर के कागजात है ना? घर पर है, लेकर आऊं क्या? हाँ। आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मना कर देना चाहिए था ना, बड़ी दया आ रही है उस पर। ए, वो मेरी बहन है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, बड़ी आई है समझाने के लिए, अंदर जाके काम कर। तुम तो कभी मेरी बात नहीं मानते, मेरी अच्छी बातें करोगी तो मानूंगा ना, हमेशा उल्टी बात करती रहती है। चल भैया। हाँ भैया। अंदर आ जाओ। आजा आजा भैया। इसमें क्या है? जेवर है भैया, कहीं गिरवी रखवा कर पैसे दिलवा दीजिए ना। ये जेवर मेरे हैं अंकल, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। हाँ भैया, हम गिरवी रखने गए थे तो लोग शक कर रहे हैं, इसीलिए ये काम आप करवा दे तो अच्छा रहेगा। डोंट वरी मामा, मेरे पास एक अस्त्र है, वो छोड़ूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ पता नहीं कितने पे छोड़ के बर्बाद किया होगा। ये क्या कर रहा है? नागिन डांस कर रहा है मामा। हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो? अबे हटा, क्या हुआ? क्या कर रहा था अभी? खुदली कर रहा था, उससे पहले नाक मूंगली कर रहा था, उससे भी पहले सुसु कर रहा था। बंदर की वाला, ये सारे गंदे काम करके हाथों में बैक्टीरिया लेके हमसे हाथ मिलाने चला है तू? हां अबे पहले जाके हाथ धो के आ। क्या खुशबू आ रही है। मैडम नमस्ते, जॉगिंग कर रही हो क्या? हाँ, नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं इसलिए सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ। कांग्रेचुलेशन मैडम, कांग्रेचुलेशन, 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 कांग्रेचुलेशन। आपके जैसे टीचर चाहिए अपने देश को। प्राउड ऑफ यू मैडम, देश को आप पे गर्व है। अरे मैडम सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। क्या हुआ? अरे आपको पता है इसने आपसे पहले कहाँ कहाँ हाथ टच किया है? कहाँ कहाँ? टेल मी। क्या बोला? अरे बताओ ना मामा। अरे चुप रहो यार। मैडम ये हाथ बहुत लकी है मैडम, आज से आपकी तकदीर खुल गई समझो। दिस हैंड इज वेरी लकी मैडम। और क्या क्या देखना होगा इन आंखों से, चल यहाँ से। राजा भैया। अरे दीदी आओ, दीदी आओ यहाँ बैठो। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। दीदी के लिए कुछ खाने को लेके आओ। भैया मैं खा कर आई हूँ। अच्छा सिंगा कैसा है?
अब पहले से काफी बेहतर है। तुम्हारा आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा, वो शेर है और शेर की तरह रहेगा। मेरे आशीर्वाद से बड़े तो आप हैं, जिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की, मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया। दीदी वो ऐसा हुआ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। दीदी उपकार करने वाला मैं नहीं, अपने गांव में जो नए इंजीनियर है ना उनकी बेटी गीता ने किया है। गीता ने? हाँ, ये पैसा उसे जाकर दो, उसके दिए जेवर गिरवी रखकर मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने जो घर के कागज दिए थे ना वो मेरे पास ही रखे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार बहन जी, आप? मेरा नाम जानकी है। हाँ कहिए बहन जी, क्या बात है? ये पैसे लीजिए। आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? मेरा बेटा जब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था तब जेवर गिरवी रखकर आपकी बेटी ने हमारी मदद की थी। अगर उस वक्त इन्होंने आकर मदद ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता सर। किसी देवी की तरह आकर मदद की हमारी। ये ले लो बेटी, हमेशा खुश रहो। चलती हूँ सर, चलती हूँ बेटा। सर फोन बज रहा है। साहब अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। सर? हाँ? क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? सर ज्यादा मत सोचिए सर, अगर रुद्रा भाई चाहेंगे ना तो आपका काम पक्का हो जाएगा। क्या बात है, आप इतनी दूर चलकर आए? भाई सर को दूसरी जगह ट्रांसफर चाहिए। ट्रांसफर? किस गांव में? मैसूर के अगल बगल में कोई भी गांव चलेगा सर। अरे अगल बगल में क्यों, मैसूर में ही करवा दूंगा। आप मुझसे मदद मांग रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सर काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो बेहतर होगा। अरे बहुत जल्द करवा दूंगा, ठीक है ना? बहुत उपकार आपका, थैंक यू सर। नमस्ते, चलता हूँ भाई। साहब को जल्दी छोड़कर आ जाना। ठीक है भाई। क्या हुआ भाई, कुछ सोच रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। भाई साहब को छोड़ के आ गया, क्या बात थी? क्या रंगा स्वामी, तू सब कुछ छोड़कर ट्रांसफर का केस लेकर आ गया? क्या हुआ भाई, काम नहीं होगा क्या? अगर मंत्री जी को सिर्फ एक फोन कर दूंगा तो वो चुटकी बजाकर मेरा काम कर देंगे, लेकिन यहाँ समस्या कुछ और है। अगर ये जाएगा तो उस जगह पर कोई और ऑफिसर आ जाएगा, उसके साथ मैं कैसे डील करूंगा? आने वाला अगर ईमानदार होगा तो भौंकेगा, और अगर घूस खाने वाला होगा तो वो घूसखोर जोंक की तरह मेरा खून चूसेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल गाय है। आगे जाने पर कुछ बोलेगा नहीं और पीछे जाने पर लात भी नहीं मारेगा, इसके जाने से तो हमारा ही नुकसान होगा। सही कह रहे हैं भाई, मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो तुम वहां हो और मैं यहां पर हूं। अब क्या करें भाई, इतने दिनों के बाद ये ट्रांसफर की बात करना है, मतलब जरूर कुछ करो। शंकर भैया धीरे धीरे, चाय में दूध कम पानी ज्यादा, उधारी ज्यादा बढ़ गई है ना इसलिए। ठीक है जाने दो, मुख्यमंत्री से बोलकर किसानों के साथ साथ तुम्हारा भी कर्ज माफ करवा दूंगा। अपना तो चुकाया नहीं जाता। ये लो सिंगा। गुरु रामपुर कौन सा रास्ता जाएगा? किससे मिलना है? एक सिंगा नाम का आदमी है, उससे मिलना है। क्या बात है? वो हमारे रुद्रा भैया है ना, उन्होंने सिंगा को बुलाने के लिए भेजा है। अरे वो नहीं आएगा, जाओ। ए, इन लोगों क्या मुंह लगता है, चल ढूंढते उसको। ए, सिंगा मैं ही हूँ, तेरा भाई रुद्रा कौन है? अरे उस दिन नरसिंह भगवान के मंदिर में मिला था ना, एमपी का चला हिस्ट्री शीटर, वही है। ओ तो अपनी जात वाले हैं, लफड़े के लिए बिना बुलाए जाते हैं। ये तो इन्विटेशन देकर बुला रहा है, तो कैसे मना कर सकता हूँ, चल जाकर मिलकर आ जाते हैं। चलो रे। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है बेटा, ये जमीन मैं तुमको नहीं बेच सकता हूँ। मरने के बाद जमीन साथ में ले जाएगा क्या? ठीक है तू एक काम कर, मुझे ही अपना बेटा समझकर थोड़े बहुत पैसे लेकर
ये जमीन मेरे नाम करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। टिकट मैं बुक करवा दूंगा। अरे अमोल, रुद्रा को तो बहुत बड़ा शूटर बताया था। हा? ये देखो, एक बूढ़े के सामने खड़े होकर खाली रोब मार रहा है। सही है यार। भाई, सिंगा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सेल्फी खिंचवानी है क्या? थोबड़ा अगर अच्छा है तो तू अपने आप को फिल्म का हीरो मत समझ। क्या रे, आजकल तू इंजीनियर की बेटी के साथ घूम रहा है? तू मेरी बात कर रहा है? मैं तो किसी के साथ भी घूम सकता हूँ, पर तेरी क्यों जल रही है? Hey! किसके सामने तुम क्या बात कर रहे हो? काट के रख देंगे। ए, काले भालू, तलवार इसकी जागीर है, काटने में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तेरे को दिखाऊं क्या? ए, बस इशारा करो भाई, इस खटमल को मैं यही मसल देता हूँ। दोनों मिलकर यहाँ नौटंकी कर रहे हो क्या? तुम एक एक की बाट लगा दूंगा मैं। चलो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? धमका के अपनी बात मनवाना चाहता था। मुझे सर्कस का शेर समझ रखा है क्या? खुलेआम शिकार करने वाला जंगल का शेर हूं मैं। तेरा ये हाल किया मैंने, जिसने भेजा उसका क्या होगा? सोच ले जरा। जूस पी रहे हो क्या? पीजिए, पीजिए सर। रुद्रा से मिलने गए थे क्या? नहीं तो बैठ जाइए सर, ज्यादा शराफत दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम हो कौन? माँ जी, माँ बहन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपके पति ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ सर, नहीं। सर बात मत कीजिए सर, आप मेरे बारे में आप नहीं जानते। जहाँ मेरी गलती होती है मैं सर झुकाकर खड़ा हो जाता हूँ। खाली फुकट बदनाम किया ना तो मैं चीर कर रख देता हूँ। अब क्या करोगे? आपकी बेटी से प्यार करूंगा तो प्रॉब्लम होगा ना, शादी कर लूंगा तो? आपकी बेटी का पति तो मैं ही बनूंगा। जो भी करना है कर। माँ जी। हाँ माँ जी, क्या तेरा सिंगा भैया शादी के लिए तैयार हो गया है? क्या कह रही है तू? सच में उसने ऐसे कहा क्या? हाँ माँ जी, मैं शादी करूँगा तो आपकी बेटी से ही करूँगा, जो करना है कर लेना। ऐसा सीता के बाप को चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया? अब तो मेरी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। बिल्कुल अपने पिताजी की तरह है। इतनी खुशी हो रही है कि संभल नहीं सकते। तू रुका रुक, मैं अभी आई। ने मेरी इच्छा पूरी कर दी भगवान। मैंने जैसा वादा किया था अपनी बहू बेटे के साथ,
आपके दर्शन के लिए आऊंगी। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सोचा, अपनी जान भी दूसरों के लिए ही दी। हमारा बेटा कभी शादी नहीं करेगा ये सोचकर घबरा गई थी, पर नहीं, वो शादी करेगा और एक खुशहाल जिंदगी बिताएगा। ये बात गंगा को जाकर बताती हूँ। लक्ष्मी तुम यहीं रुको, मैं गंगा के घर जाकर आती हूँ, उसे ये खुशखबरी जो देनी है। ठीक है माँ जी। गंगा क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो दीदी। सिंघा शादी के लिए तैयार हो गया है। अरे दीदी, आखिर भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। और एक बात बताओ तुम्हें, हाँ? उसके घर जाकर उसके बाप के सामने ही तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा ऐसा कहकर खुल्लम खुल्ला चैलेंज देकर आया है वो। अरे दीदी बहुत बढ़िया। एक गंगा, मेरी पसंद की लड़की मेरी बहू बनकर आ रही है, मंदिर में जाकर दिया जला कर आएगी। इतनी सी बात है ना, चलो चलो चलते हैं। तेरा नाम सुन के पूरा गांव हिल जाता था, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सभी गुलामों की तरह हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने सलाम किया करते थे, और वो चिल्लर सबके सामने तुमको पीट पीट कर खंबे से बांध दिया। उस दिन ब्याज वसूली करने गए थे तो जो आदमी आपके भाई को पूरी तरह मारा था वो कोई और नहीं भाई, सिंघा है सिंघा। बिल्ली साइलेंट रहेगी ना तो चूहा भी उसे ललकारता है। फालतू बेकार लड़के भी हम पे सीटी मार मार के हंस रहे हैं भाई। आइटम आइटम समझ रहे हैं भाई तुमको? रुद्रा रुद्रा बस करो, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर क्यों उतार रहे हो? जो हुआ सो हुआ, आगे सब मैं संभाल लूंगा। बाहर से लड़कों को बुलाओ और सैलेंट भी। जिसने मुझे सबके सामने मारा अगर उसे मैं खत्म नहीं करूंगा तो लोग नामर्द समझेंगे। उसी गांव में उसी के लोगों के सामने मैं उस सिंगा को मारने के बाद अपनी मूछों पर ताव दूंगा। आप जा सकते हैं। मुझे कहीं से पता चला है कि सिंघा आपकी बात की बहुत इज्जत करता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। एकदम करेक्ट पता चला है, वो सिंघा मेरा नाम सुनते ही कांप जाता है। वैसे आपको खून से डर तो नहीं लगता ना? नहीं भाई, क्यों? मैं मारूंगा तो उसके सर से खून निकलेगा, देखकर आप बेहोश मत होना। देखो भाई, ऐसा मत करो भाई, मैंने रुद्रा को कुछ नहीं बताया, ये बात जाके सिंघा को बता देना। ए जाना भाई जाना यहाँ से, मैं सिंघा को उपदेश देने वाला कोई टीचर लग रहा हूँ क्या? फाइटर हूँ मैं, मुझे जब गुस्सा आएगा ना तो आप मुझे रोकना नहीं, अगर मुझे पकड़ोगे ना तो गिर जाओगे। अरे भगवान मैं क्या करूं। सिंघा सिंघा क्या हुआ, इसे दौड़ के क्यों आया? माँ के भगवान ने सुन लिया सिंघा, उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिली है। क्या बात कर रहे हैं? तू तो बड़ा भोला है, गीता से ही शादी करूंगा ऐसा चैलेंज करके आया ना, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा ये बात है, हमारे साथ चाल चलेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे, इसलिए इंजीनियर को मैंने भी एक होल दे दी। तो तुम गीता से लव नहीं करते हो क्या? लव? लव नहीं सिंघा, बकवास बंद कर यार, अगर मैंने उस लड़की से शादी कर ली तो उससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्यों? तू लक्ष्मी से प्यार करता है ये पता चलते ही उसकी माँ ने जहर पी लिया था, भूल गया क्या? देख यार, वो अच्छे लोग, किसी को तकलीफ नहीं देते, वो लोग खुश है, ऐसे समय में उन्हें तकलीफ देना कौन सा इंसाफ होगा बोल। इधर आ। ए कहाँ लेके जा रहा है? अभी पता चल जाएगा, चल। अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे? देख माँ जी, माँ जी देख, माँ तेरे लिए क्या कर रही है देख। नमस्ते। ए सरकार ने गरीबों को राशन देना शुरू कर दिया फिर भी तुम लोग को भीख मांगने में शर्म नहीं आती है, चले आते हैं मुंह उठा के। माफ करिए पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा बेटा शादी के लिए मान जाएगा तो मैं भिक्षा मांगकर भगवान का प्रसाद बनाऊंगी, ऐसी मन्नत तो क्या करूं? इसलिए कोई बात नहीं, आप फल भी दे सकते हैं। फल चाहिए? ये लो जाओ।
रुकना। जाओ जाओ, आ जाते पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। दान देना है तो दो, ऐसी फालतू बातें मत करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। उन्हीं की दोष दे रही है। देखा ना, हर फालतू इंसान के ताने सुन करके भीख मांग रही है तुम्हारे लिए। नमस्ते भाई साहब। किस लिए? तेरी खुशी के लिए। जब तू हॉस्पिटल में था, उस लड़की ने अपने गहने गिरवी रख के बचाया था तुझे। कितना त्याग किया उसने, और तू उस लड़की को मना कर रहा है। ये क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ मैं, तुझे दूसरा जन्म देने वाली देवी है वो। हे सिंगा, तेरे चैलेंज को सच मानकर इतना त्याग कर रही है तेरी माँ, उसे निराश मत कर यार। ये लीजिए माँ जी। अमोल, मेरे बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। हाँ। मेरे इतने सारे दुश्मन, कौन कब आकर मुझे कब मार डाले मुझे कुछ पता नहीं था। मुझसे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा था। इतना कुछ हो गया फिर भी मैं जिंदा हूँ, मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मेरी माँ का आशीर्वाद, गीता का प्यार मेरा इंतजार कर रहा है, वही मेरी माँ की बहू बनेगी। बड़े घर के बच्चे पहनते हैं ना, वो वाला पैंट चाहिए। दीदी पैंट नहीं, जीन्स बोलो। जीन्स चाहिए? जीन्स। अरे कृष्णा, इन्हें जीन्स पैंट दिखाओ। ओके सर। नमस्ते। नमस्ते। जीन्स पैंट आप पहनेंगी या वो पहनेंगी? अरे तू पागल हो गया है क्या? जीन्स पैंट पहनने की क्या हमारी उम्र है? क्या हुआ माँ जी? हम लोग क्या इस उम्र में पैंट पहनेंगे? मैं अपने बेटे के लिए लेने आई हूँ। अपने बेटे का हिप साइज बताइए। हिप साइज? वो क्या होता है? अब पैंट पहनने पर ढीला नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कमर की माप बताइए। कमर का माप? हमें तो पता नहीं है भैया। तो पूछ के आई है? पता नहीं, वो कैसे बता सकते हैं। अच्छा, आपका बेटा दिखता कैसा है? शेर, शेर जैसा दिखता है वो, उसका नाम सिंघा है। कहाँ जा रहा है तू? भाई दो कप चाय पी के आता हूँ, छोड़ दो भाई। मैं चुपचाप खड़े रहा। माँ जी, हमारे शोरूम में शेर और चीते के लिए कपड़े नहीं मिलते। मेरे कहने का मतलब है, किसी और को दिखा कर आप बताइए कि मेरा बेटा ऐसा दिखता है। वो क्या है कि दुबला है, लंबा है, मोटा है, पतला है, या फिर मेरी तरह है? या फिर मेरी तरह स्मार्ट दिखता हो? ऐसा लग रहा है कोई मुर्गी कितने दिनों से बीमार है। मेरा बेटा कोई भी उसकी तरह नहीं। वो देखो, वो जो है ना फोटो में, वैसा ही लगता है मेरा बेटा। भाई दो मिनट में आता हूँ, बहुत जोर से लगी है भाई, बहुत जोर से। यहीं बैठ जा बेटा। भाई बाहर आ जाएगी। हमारे सिंगा और उसकी खूबसूरती में कोई मेल ही नहीं खा रहा है। वो तो घर घर जाकर फिनाइल बेचने वाला दिखता है। शाहरुख खान ने अगर सुन दिया तो सुसाइड कर लेगा बेचारा। हाँ भाई, आप लोग वहाँ पर छुप कर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, वो आपके बेटे के लिए नई पैंट ढूंढ रहे थे। 32, 34, 36। एक काम करो, बोलिए, सारे साइज के 3-3 पैंट दे दो। जो भी सही होगा वो रख कर बाकी सारे वापस कर दूंगी। अरे वाह 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 वाह, क्या आइडिया है माता जी। मैं तो आपको कुछ और ही समझ रहा था, वो मैं निकला। मुझे लगा आप ऐसे ही सोच रहे होंगे। इसके साथ ना एक एक शर्ट भी देना। कैसी शर्ट? रंग बिरंगा वाला देना, पहनेगा तो हीरो की तरह दिखना चाहिए। एक से एक से एक कलर दूंगा मैडम, अभी दिखाता हूँ। दीदी वहाँ चलते हैं, वहाँ पर चश्मा भी मिलेगा। Shake your booty right here. Ha 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 ha. Big it up, yo! Big it up, yo! Shake your booty right here. टॉप लग रहा है तू, मेरी नजर न लग जाए तुझे, मेरा बेटा। माँ सच बताओ, मुझे देख के गली के कुत्ते भौंकेंगे तो नहीं ना? ऐसे क्यों कह रहा है? नहीं सच बताओ, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना? अरे सुंदर दिख रहा है। ठीक है, ओके। ए रुक जा, ये रख ले। गीत
गीता को उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाना और तुम दोनों हनुमान होटल जाकर बिरयानी भी खा लेना। ठीक है ओके ओके। और सुन, मेरी बहू को ज्यादा धूप में मत घुमाना, जल्दी से घर लेके आना। अभी से इतनी फिक्र, ले आता हूँ। अरे मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। भाई एक पानी पूरी तीखा देना। क्या हो गया तेरे को, मेंढक निकले हुए सांप की तरह मुंह फुला के बैठा है? मेरी आंटी ने मार दिया यार। हाँ हाँ क्यों? वहाँ ऐसा हुआ कि ए चालनी, यहाँ तो आओ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने। अरे कल ही तो डाला था ना जी। कल डाला था तो क्या हुआ, आज भी डालते हैं? अरे मुझे अभी काम है, रात में डालते हैं। रात में मशीन की आवाज बहुत आएगी, अभी धो डालते हैं ना। आवाज? ओहो बहुत जिद्दी हो आप, कमर में दर्द है फिर भी नहीं मानते। अरे अब आ जाओ ना। दूसरों के घरों में हफ्ते में 15 दिन में एक बार धोते हैं, आपका रोज का काम है। ठीक है आप चलो, मैं आती हूँ। मान गई मेरी रानी, मान गई मेरी रानी, अब धोने में मजा आएगा, कपड़े धोने में मजा आएगा। और बाद में कपड़े धोने के बाद मेरे अंकल को थक्के आना चाहिए ना। लेकिन वो तो फ्रेश होके आते हैं, बहुत खुश होके आते हैं गुनगुनाते हुए। अच्छा अंकल, आयरन किए हुए कपड़े को मरोड़ के वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो, तुम्हें क्या दिमाग नहीं है? मेरी मशीन, मेरे कपड़े, तुझे क्यों तकलीफ हो रही? अरे सुनो आंटी, अंकल को तो दिमाग नहीं है, तुम्हें भी दिमाग नहीं है क्या? अगर धोए हुए कपड़े बार बार धोएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे ना। पैसा लगाने वाला मैं हूँ, वॉशिंग मशीन मेरी है। ओ वॉशिंग मशीन आपकी है, लेकिन बिल तो मैं भरता हूँ ना। आज से आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं भी डालूंगा। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो यार? अरे मेरे यार, तू तो बिना कांटे की घड़ी की तरह है। तेरी आंटी ने तेरे को क्यों मारा पता है क्या? क्यों? सब कुछ मेरे को ही बताना पड़ेगा। इधर आ। ऐसा क्या? हाँ। मेरे अंकल इतने बड़े खिलाड़ी हैं। और नहीं तो क्या? हाँ तो मैं भी उस खेल को एक बार देखना चाहता हूँ। ए भरत, क्या हो गया तेरे को? अरे सारा प्लानिंग हमारा था, पर उसने गीता को कैसे पटा ले समझ नहीं आ रहा यार। भाई उसको याद करके इच गार्ड लगा रहे हो, उसे देख लोगे तो बर्नाल लगाना पड़ेगा। जरा देख तो उधर। यार ये कैसे हो गया, इससे ये हीरो कैसे बन गया यार? नीली टी शर्ट पहन के और ऊपर से चश्मा बहुत मस्त लग रहा है ना भरत। बात है सिंगा, गाड़ी भी चमक रही है और तू भी चमक रहा है, तेरा तो हुलिया ही चेंज हो गया यार। मेरी माँ ने दिलवाया है, गीता को पूरा गांव घुमाने को कहा है और साथ में 500 रुपए दिए हैं मुझे। अरे यार इसकी माँ तो बहुत अच्छी है, लड़की पटाने के लिए पैसे कपड़े सब देती है, ऊपर से उसको किसी होटल में घुमाने के लिए भी बोला है। गेटअप कैसा है? सुपर लग रहे हो। थैंक्स ब्रो। इंग्लिश बोल रहा है? इंग्लिश नहीं यार, इंग्लिश। जैसे ही लव हो जाता है भीतर से इंग्लिश अपने आप बाहर आ जाती है। लवलुआ? लवलुआ नहीं यार, ये इतना खुश क्यों है यार? इस खुशी का कारण है यार। क्या कारण? उस दिन तूने लेटर देने के लिए नहीं कहा होता तो आज गीता मिलती थी क्या? मैं तो अपने लिए पटाना चाहता था, मुझे क्या पता था इससे पड़ जाएगी यार। तेरी इस मदद के लिए हमारी शादी में तुझे 2 आदमियों का खाना खिलाऊंगा। ओके अच्छा हुआ उसकी स्टेज सजाने के लिए नहीं बुलाया। वो देख तेरी गीता आ गई। माय लव। इससे अच्छा रोमांस कोई नहीं कर सकता। वो देखो तुम्हारी गीता आंखों से बुला रही है, जाओ। My love again? ओके। Hey गी, कैसा लग रहा हो? पता नहीं कुछ अजीब लग रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा हूँ? सुपर लग रहे हो तुम। मेरी माँ ने दिलाया। अच्छा सासू माँ। बाय।
ए भरत, मेरी माँ को सासू माँ कहा उसने। सुन लिया भाई, सुन लिया। वो गुलाब जामुन की तरह इतनी मीठी बातें करती है, सुनकर बहुत खुशी होती है। अरे अरे सिंगा, तू तो कवि बन गया यार। तूने पहला लेवल फर्स्ट क्लास में पास किया है। नेक्स्ट लेवल में जिला टॉप करेगा। नेक्स्ट लेवल? हाँ, गीता को इम्प्रेस करके कंप्रेस करोगे तो तेरा प्यार पक्का। ना क्या करना होगा? एक काम कर, तू उस गीता को एक गिफ्ट दे। गिफ्ट? गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि गीता उसे देखकर शॉक हो जाए। अब तो बिजली का करंट ही देना होगा। चुपचाप कर ले, ज्यादा बोलना। ओके। हेलो, गिफ्ट को सिर्फ गीता देख के शॉक नहीं होना चाहिए, हम सभी उस गिफ्ट को देख के शॉक होना चाहिए। ओके। ए, तू उन दोनों को अलग करने की सोच रहा है या फेविकॉल से चिपकाने की सोच रहा है? अरे यार, मैंने जो प्लानिंग की है कोई ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं है, समझा? सिंगा के अंदर दिमाग बहुत कम है, वो जो भी गिफ्ट देगा आड़ाई टेढ़ाई होगा। गीता उस गिफ्ट को देखकर नाराज हो जाएगी और उसे रिजेक्ट कर देगी। और फिर दोनों का प्यार कैंडी क्रश हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का रास्ता खुल जाएगा, फिर भागेंगे। हाय गी, देर क्यों हुई? वॉच नहीं है ना, इसलिए लेट हो गया। मेरे दोस्त कह रहे थे कि लव करने वाली लड़की को गिफ्ट दूंगा तो अच्छा रहेगा, और पता नहीं जो गिफ्ट मैं लाया हूँ तुम्हें पसंद आएगा भी कि नहीं। मुझे तो तुम ही पसंद हो, गिफ्ट तो पसंद आएगा ही ना। वैसे गिफ्ट कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? आंखें बंद करके हाथ आगे करो। रहने दो। ए, आंख बंद करके हाथ आगे करो ना प्लीज। यार, ये लगता है इमरान हाशमी का फैन है। कितने जिद्दी हो तुम। लगता है ए सर्टिफिकेट का फिल्म दिखा रहा है उसे। तुझे तो वही पसंद है ना। अब देखो, मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारी पसंद का क्या गिफ्ट लूं। तब मेरी माँ ने कहा मंगलसूत्र देना चाहिए। वो इसलिए कि मेरी शादी के लिए मेरी माँ ने कोई भी मन्नत नहीं छोड़ी, कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा, इसलिए मंगलसूत्र दे रहा हूं। मेरी माँ की खुशियां अब तुम्हारे हाथों में, और थोड़े दिनों में तुमसे शादी करूंगा। माँ, तुम्हें पसंद आए कि नहीं? पढ़ा लिखा इंसान कार्ड देता है, पैसे वाला इंसान अंगूठी देता है, सिर्फ दिल वाला इंसान ही मंगलसूत्र दे सकता है। एक औरत अपने जीवन में अपने प्रेमी से इससे ज्यादा और क्या मांग सकती है? तुम मुझे इतना अनमोल गिफ्ट देकर पूछ रहे हो कि पसंद आया या नहीं? मेरे हीरो हो तुम। बस। सिंह, तुझे कोई लड़की मिल गई तो कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊंगी, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी। कोई बात नहीं, कल चलते हैं। गीता भी आती तो अच्छा रहता। ठीक है, बुला लो उसे, वो जरूर आएगी। बड़े घर की बेटी है फिर भी कोई घमंड नहीं है दीदी, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ है। आखिर पसंद किसकी है, मेरे बेटे की। पानी काफी है ना? आज तो मैं ही बलि दूंगा, मैं ही बलि दूंगा। बलि देने के लिए इस बेवड़े को क्यों लेके आए हो तुम? अरे बोलो तो मैं बलि दूं। अरे भाई, बलि देना है, बिरयानी खाने का काम नहीं है वो। अगर ढंग से बलि नहीं दी गई ना तो देवी नाराज हो जाएंगी। और भाई साहब, अगर हमारे सिंगा ने मारा ना तो एक ही बार में दो टुकड़े, सर कट के अलग। आपको बकरा काटना भी आता है? इंसान काटने वाले को बकरा काटना नहीं आएगा क्या? चाहे बकरा हो या इंसान, उसे काटने के लिए आज के बाद ये हाथ हथियार नहीं उठाएगा। मुझे मेरी माँ की कसम है। तुम बलि दोगे क्या? अभी आता हूँ। दिए में डालने के लिए तेल खत्म हो गया है दीदी। हाँ क्या सिंघा? दिए में तेल खत्म हो गया है बेटा। अरे ऐसे मैं भी डाल के आ जाऊँ क्या? क्या? अरे कुछ नहीं, वो तेल। ए, चल यार, हमेशा फालतू की बात करता है। तेल लेकर वापस जल्दी मंदिर चलते हैं। चल चलते हैं जल्दी। ए, 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 अमूल, खाने दे बेचारे को। ले तू भी खा। अरे अरे अरे, 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 अरे अमूल, जाने दे, तू भी जाने दे उसे, चल जाने दे।
चल खाने की प्लेट लेके चलते हैं। भाई एक लेके जा रहा हूँ, ये ठीक है ना? चाय पी के चलें क्या? हाँ। दो चाय दो भाई, काम जल्दी से खत्म करना है यार। ए, ए, जाने दे, छोड़ यार। अमोल चल अब यहाँ से चलते हैं। आज के बाद ये हाथ हथियार नहीं उठाएगा, मेरी माँ की कसम है। चल भाग अमोल। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। नहीं उस दिन तो, अब एक मिनट। हेलो भाई, सिंह आज फिर से बचकर निकल गया। क्या बक रहा है तू? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और आप इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? सबसे पहले मंदिर कौन पहुंचेगा, तूने चैलेंज किया था ना। सिंगा तू जीत गया यार। ये कैसा खेल है बच्चों की तरह, चलिए आइए। आरती लीजिए। पंडित जी, मेरी बहू और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जी। आशीर्वाद दीजिए। मेरा पैर मत छुओ, भगवान का आशीर्वाद लो। माँ आ गया हो ना? क्यों बेटा? आ गया हो ना माँ, बताता हूँ। गंगा माँ अभी आओ। अच्छा, आप दोनों ही हमारे लिए भगवान हो। ये सब क्या हो रहा है? किसके बारे में पूछ रही हो माँ जी? उसके पैर में चोट लगी है और उसमें से खून आ रहा है, ये सब कैसे हुआ सच सच बता। वो तो ए, मैं जानती हूँ तुझे सब पता है। उसे मारने के लिए गुंडों ने अटैक किया था माँ जी। क्या कह रहा है तू? उसने मुझसे वादा किया था कि अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने सोचा था वो सुधर गया है। वो कौन है बता, मैं उससे माफी मांगूंगी। माँ जी आपके बेटे की जिस से दुश्मनी, उनसे माफी मांगने के लिए 6 महीने घूमना पड़ेगा आपको। अरे ऐसा नहीं है बेटा, अगर इस बात को दिल से लगाकर उन्होंने उससे बदला लेने की सोची तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। आपके बेटे के जो दुश्मन है वो सब माफ करने वाले नहीं है, जान लेने वाले हैं माँ जी। भगवान ए, मुझे डरा मत, मैं किसी भी तरह उन्हें समझा बुझा कर माफी मांग लूंगी। कौन है वो लोग बता देना। महोत्सव जरगाली। ए, कहीं आप मुझे हल्के में तो नहीं ले रही है? हाथ लगाना तो दूर, कोई घूरेगा तो आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ मैं। माता जी आग से खेलने का शौक है मुझे, शेर को डराने वाला बब्बर शेर हूँ मैं। चल निकल। ए फेको चंद, उस दिन सिंगा ने तेरे सर की चटनी बनाई थी, भूल गया क्या? मुंह बंद कर अपना। उस दिन सर पे बोतल पड़ी थी और बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया। अरे मेरी माँ, आपके बेटे ने बोतल से मार के भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की, यहाँ के आपने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। अरे आपको मैंने माफ कर दिया, आप जाओ माँ जी, जाओ जाओ जाओ। माँ जी जरा एक मिनट रुको, दया करके इस बात को बाहर कहीं भी मत बताना माँ जी, मेरी इमेज
डैमेज हो जाएगी माँ जी। माँ जी ये गिरे हुए लोग है, चलिए तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। देखो अगर तुम्हारा बेटा मेरे सामने कभी आया ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं ऐसा दोबारा नहीं। हाँ ठीक है, ये लगता है सिंगा की आवाज से ही मर जाते हैं। चलिए माँ। हाँ। तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं पंडित जी के पास तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाने गई। अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुम ऐसे चिल्लाओगे इसीलिए नहीं बताया था मैंने। खाना खा लिया क्या? माँ कहीं भी जाना हो तो मुझे बता के जाओ, बहुत डर लगता है मुझे। क्यों बेटा, मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ क्या है ये लक्ष्मी? माँ ने टिफिन देने के लिए कहा है। टिफिन? माँ सुबह से कहाँ गई है कुछ पता भी नहीं है। अच्छा माँ कुछ बता के गई है? मुझे नहीं पता। ठीक है अंदर जाके रख दो। माँ कहाँ है? अरे सिंगा बता। तूने जिन जिन को मारा था उनसे माफी मांगने गई थी माँ, मैं ही लेकर गया था। माँ को उन गुंडों से माफी मांगने के लिए क्यों लेके गया था? गुस्से को काबू में रखो सिंगा, तुम्हारे इतने दुश्मन है, किसी ने तुम्हें मार दिया तो? इसी बात से डर रही थी माँ। माँ कहाँ है अभी? वो रुद्रा के घर जाने वाली थी। गंगा इनसे पूछते हैं। बहन हाँ, यहाँ रुद्रा भैया का घर कहाँ है? वो बड़ा कंपाउंड दिख रहा है ना, वही रुद्रा भैया का घर है। भैया रुद्रा भैया का वो व्हाइट टी शर्ट में जो बैडमिंटन खेल रहे ना, वही है। उसने किसी ने तो मार्केट में खून किया था, ये तो बहुत बड़ा गुंडा है दीदी। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसके घर में क्यों आ गए हम? चलो चलो। रुद्रा भैया। कौन हो तुम? मैं ना सिंघा। सिंघा की माँ हो तुम? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए निकल जाओ, चलो जाओ। ऐसा नहीं है भैया, उसकी की हुई गलतियों की माफी मांगने आई हूँ मैं यहाँ आपके पास। उसे माफ कर दूँ? जिसने मुझे सारे गांव वालों के सामने मार कर मेरा अपमान किया, तुम उसे माफ करने के लिए कह रही हो? उसको मार के उसका श्राद्ध करने के बाद ही मुझे चैन की नींद आएगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, मेरी आंखों के सामने से तुम लोग दूर हो जाओ। मैं मानती हूँ भैया, उसने जो किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उसने। उसे लाकर आपके कदमों में डाल दूंगी मैं। उसे जितना मारना है आप मारिएगा, आपका गुस्सा ठंडा होने तक मारिएगा। लेकिन भैया मेरा बेटा धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा है। भैया मेरे बेटे को कुछ भी मत करना भैया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उसे माफ कर दो भैया। चंडाल के सामने आकर चंदा मामा की कहानी सुना रही है? हाँ, इस शरीर पर जो जख्म लगा है उसे मैं नहीं भूल सकता, मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रही है। भाई क्या है? सिंह आया है। शेर तो शिकारी के पास खुद ही आ गया, पकड़ कर ले आओ उसे। अब इसके ही सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दूंगा। ले आओ उसे। अरे भूख क्या देख रहा है, जाता क्यों नहीं? नहीं बेटा। हाँ सही है। ए, चलो। तुम लोग उधर जाओ। चलो रे। तुम लोग उधर जाओ। हाँ।
रुद्रा भैया, मैं पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा बेटा अभी अभी शादी के लिए राजी हुआ है, उसे कुछ मत कर। ठीक है, एक काम करता हूँ, तेरे बेटे का सिर काट के मैं उसी चौराहे पर लटका देता हूँ, आकर देख लेना। जाओ दीदी, इस कमीने से क्या माफी मांग रही हो? अपने सिंगा को पता चलेगा ना तो काट के रख देगा इसे। उठ जाओ दीदी। कहाँ है मेरी माँ बता? अब तक मेरे भाई ने तेरी माँ को दबका दिया होगा। कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया मुझे। छोड़ोगी तो तेरे बेटे को मार डालेगा ये दीदी। दीदी
मार डालो इसे दीदी, मार डालो, दीदी मार डालो इसे, जान से मार दो, मैं कहती हूँ मार दो इसको, इस राक्षस को आज खत्म करना होगा। दीदी मार डालो इसे, मत छोड़ो इसे, मारो। उसका सिर काटेगा, मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। नहीं छोड़ूंगी। माँ दूला दूला तू मेरी जिंदगी, तुझ में बसी है मेरी हर खुशी। मैंने मार दिया। दूला दूला तू मेरी जिंदगी, तुझ में बसी है मेरी हर खुशी। हम जी रहे हैं तुम्हारे सहारे, ममता कहती है तू मुझको पुकारे, ममता कहती है तू मुझको पुकारे। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ बच्चे को जन्म देते वक्त जो यमराज से लड़ जाती है वो है माँ। बच्चा जब धरती पर पांव रखता है तो जो उसे दुनिया की सभी शक्तियों से लड़ना सिखाती है वो है माँ। अपने बच्चे की रक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो है माँ। माँ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, तेरे बिना तो न रह पाऊंगी। हम जी रहे हैं तुम्हारे सहारे, ममता कहती है तू पुकारे। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, फिर से कोई तू शरारत करे, मेरा डांटना तू सहे। हम जी रहे हैं तुम्हारे सहारे, ममता कहती है तू पुकारे। ओ माँ